Assalamualaikum, welcome back to another video. This is the second episode of Islamabad to Kumrad series. First episode मैंने already post कर दिया था Islamabad to Sawat, और अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं. सो अभी ये सेकेंड एपिसोड है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं सवात टू बहरेन. लेट्स स्टार्ट. लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अब जो है मोटिवेशन लेवल जो है ना, वो इधर से यूं जा रही है. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. मुलायदा फरमाते हैं सेकंड वीडियो. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सवात कोई छोटी वैली नहीं है, सवात बहुत ही बड़ी वैली है. ये एक्चुअली स्टार्ट होती है मंगोरा से भी बहुत पहले. मंगोरा इसका एक्चुअली बहुत बड़ा सिटी है, एंड ये एंड होती है बहरेन से भी आगे चल के. तो अभी हम मंगोरा पहुंचने वाले हैं, मंगोरा को एक्सप्लोर करेंगे. मालम जबा हम नहीं जाने वाले क्योंकि मालम जबा थोड़ा साइड पे है. अभी हम जो है वो मंगोरा पहुँचे हैं. ये मंगोरा सिटी है, हालत अभी काफ़ी ख़राब है. तो बाइक एक शॉप वाले के पास पार्क की, उसके पास सामान रखवाया है, और अभी मार्केट का मुआयना करने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं. ये थी मंगोरा की मार्केट. अभी हम जा रहे हैं फेज गेट, एक पार्क है जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, उसको एक्सप्लोर करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे. तो ये है पार्क, लेकिन पार्क के सामने ये एक बहुत बड़ा होटल है. एक नहीं बल्कि दो दो बड़े होटल हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहे हैं ये होटल. अभी चलते हैं पार्क के अंदर. हम खड़े हैं अभी बाहर पार्क के. ये सामने खड़ी है हमारी बाइक, तो चलिए चलते हैं अंदर. मंगोरा से 2.5 किलोमीटर, मंगोरा सिटी से 2.5 किलोमीटर आगे है, एंड अ गिफ्ट फ्रॉम जापान है. इसका नाम है फिज़ा गेट, एंड बहुत ही ये खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत. यहाँ पे काफ़ी बच्चे फैमिलीज वगैरह भी आई हुई हैं. सामने दरिया का किनारा है, और ये दरिया के किनारे पे पार्क बना हुआ है, एंड ये ढलता हुआ सूरज है, पहाड़ है. तो ये है वो दरिया जिसके किनारे पे पार्क बना हुआ है, और
इसके दूसरी साइड जो है वो आप कश्तियाँ देख सकते हैं। ये मैंने पहली बार देखी हैं कश्तियाँ जो कि ट्यूब से बनी हुई है ना। यहाँ पे इन्होंने परिंदे भी रखे हैं, जिसमें एक तो मुझे सामने मोर नज़र आ रहा है, बाकी ये नीचे मुर्गी है ये शायद, और दूसरा ये वाइट परिंदा, इसका मुझे नाम नहीं आता। और सामने भी कुछ परिंदे हैं, तो काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है ये, वैसे जापान की तरफ से डोनेशन है। अभी चलते हैं बाहर और बढ़ते हैं आगे बहरेन की तरफ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी मार्केट आज तक नॉर्दर्न एरियाज़ में कभी भी नहीं देखी। इवन मैंने कश्मीर ट्रेवल किया है, नारान कागन ट्रेवल किया है, लेकिन इतना बड़ा शहर मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में कभी देखा ही नहीं, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सवात में मौजूद हूँ। अपने बोर्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो फिर मालम जब आ जाएगा, अगर लेफ्ट लेंगे तो कलाम और बहरेन आ जाएगा। तो अभी हमें जाना है बहरेन। तो यहाँ से हमें जो है ना वो कलाम के लिए राइट लेना पड़ेगा, और अगर हम लेफ्ट लेंगे तो ये आ जाएगा बिशाम, जो कि कनेक्ट करता है सवात को जो है वो नारान के रूट से। ओ क्या व्यू है भाई, सामने पहाड़ों पे लाइट्स ही लाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स। ये व्यू देख के आपके तो पैसे ही वसूल हो जाते हैं। अभी टेम्परेचर में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है, हमें जो है वो हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। अभी हम जो है वो बहरेन में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी, और किलोमीटर्स में ये रेस्टोरेंट फैले हुए हैं। इस तरफ भी रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे और उस तरफ भी आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे ना। अभी यहाँ पे आए हैं तो मौसम यहाँ पे काफ़ी खुशगवार हो गया है, और बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हमने रूम लिया है। तो अभी सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हाफिज़, टेक केयर।